हम लोग बंगाल में हुई घटना के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमने कोई काम बंद नहीं किया। इमरजेंसी सर्विसेज, आईपीडी, सब कुछ रन कर रहा है। ये बस एक घंटे का पेन डाउन है, और बस अभी हमने कोई भी सुविधाएं इस तरीके से बंद नहीं की हैं। हम पेशेंट केयर पूरी तरीके से कर रहे हैं, और बाकी कोई किसी को असुविधा ना हो इस बात का ध्यान रख रहे हैं, पर इसके साथ में हमारे साथ में जो गलत हुआ उसके अगेंस्ट में स्टैंड ले रहे हैं। जब गवर्नमेंट हमारी बातों को मानेगी तभी, तब तक चलेगा। जब तक नहीं माना जाएगा तब तक चलेगा। सौम्या मिश्रा। कलकत्ता में जो महिला चिकित्सक के साथ जो उसके साथ बलात्कार और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, उसके बाद वहाँ के शासन प्रशासन ने जो इस घटना पे पर्दा डालने के लिए और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है, तो इस कारण से वहाँ जो जो अपराधी है उसको सजा नहीं हो रही है, और उसके ही लिए हम लोग एक न्याय दिलाने के लिए एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जाना पे जिला चिकित्सालय सतना और मेडिकल कॉलेज सतना के सारे चिकित्सक यहाँ पर आज हम सिर्फ विरोध प्रदर्शन के रूप में आज हमने अपने 12 से 1 की ओपीडी जो सुविधा है, जो मरीजों को देखने की सुविधा है, वो सिर्फ हमने कुछ समय के लिए 1 घंटे के लिए हमने उसको आज थोड़ा सा विराम दिया हुआ है। ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन है कि जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन सकते पे आए अपराधी को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अस्पताल की इमरजेंसी